हेलो गाइस, सो फाइनली रेडमी नोट 4 में MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट आ गया है गाइस। इस अपडेट का वर्जन है MIUI 10.1.1.0। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी अपडेट का फुल रिव्यू करने वाले हैं। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में आपको इस अपडेट के कंप्लीट फीचर्स बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो पर टारगेट है 300 लाइक्स का। तो मुझे उम्मीद है कि आप 300 लाइक्स कंप्लीट बहुत ही जल्दी कर दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अपडेट के फीचर्स के बारे में। बट फीचर्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइस, अगर आपके स्मार्टफोन में ये अपडेट अभी तक नहीं आया है तो गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गाइस, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो आपको उस फाइल को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके एंड आपको अपने स्मार्टफोन में फ्लैश कर लेना है। गाइस, जैसे आप फाइल को फ्लैश करोगे तो आपका स्मार्टफोन अपडेट हो जाएगा। बट गाइस, अगर आप फाइल फ्लैश करना नहीं चाहते हो तो आप 2-4 दिन वेट कर लीजिए, आपके अपडेटर ऐप में ये ऑटोमेटिकली 2-4 दिन बाद अपडेट आ जाएगा, फिर आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इस अपडेट के फीचर्स के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन बार के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन बार देख सकते हो, काफ़ी कमाल की लग रही है। MIUI 9 की नोटिफिकेशन बार बहुत ही बोरिंग थी, बट ये काफ़ी कमाल की लगती है नोटिफिकेशन बार। ठीक है, तो काफ़ी कमाल की नोटिफिकेशन बार आपको दे दी गई है MIUI 10 के अपडेट के साथ में। एंड गाइस, आपको इसमें एक और हिडन फीचर मिलता है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो हिडन फीचर ये है कि गाइस, जो MIUI 9 की जो नोटिफिकेशन बार थी तो उसमें आप टॉगल्स बढ़ा नहीं सकते थे, बट आप इसमें बढ़ा सकते हो। आपको करना क्या है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में गाइस, जितनी भी आप टॉगल्स बढ़ाना चाहते हो उनको यहाँ पर सेलेक्ट करके होल्ड प्रेस करके एंड यहाँ पर रख सकते हो एंड आपकी जो टॉगल्स हैं वो बढ़ जाएंगी। एक पेज और बन जाएगा तो उसमें ये टॉगल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो काफ़ी कमाल का फीचर ये वाला मुझे लगा। ठीक है, तो आपके इच्छा में जितनी भी टॉगल्स हैं उतनी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो, जितनी भी आपके इच्छा करे। ठीक है, तो गाइस, अब हम बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर है वॉल्यूम बार। तो वॉल्यूम बार आप देख सकते हो काफ़ी कमाल का कर दिया गया है यहाँ पर। गाइस, इस वॉल्यूम बार से आप बोर नहीं होगे, बहुत ही कमाल का लगता है। एंड गाइस, जैसे आप इस साइलेंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हो कि कितनी देर तक आपको यहाँ पर साइलेंट पर आपको अपने स्मार्टफोन को रखना है। ठीक है, तो काफ़ी कमाल का वॉल्यूम बार भी दे दिया गया है। गाइस, अगर हम बात करें रीसेंट बार की, तो रीसेंट बार गाइस आप देख सकते हो आपको यहाँ पर 6 ऐप्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो 6 ऐप्स आपको देखने को मिल जाती हैं रीसेंट बार में। एंड गाइस, आप किसी भी ऐप पर अगर होल्ड प्रेस करोगे तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। गाइस, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है लॉक का, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये वाली जो ऐप है वो लॉक हो गई। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इस पर फिर से करूँगा तो अनलॉक हो जाएगी। एंड गाइस, अगर जो सेकंड ऑप्शन है ये है स्प्लिट स्क्रीन का, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो स्प्लिट स्क्रीन हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी कमाल का ये वाला फीचर भी मुझे लगा। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर के लिए गाइस आपको जाना होगा सिक्योरिटी ऐप में। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऐप में गाइस आपको क्या फीचर मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऐप है वो एकदम से चेंज कर दी गई है, काफ़ी कमाल की कर दी गई है, काफ़ी कमाल की लगती है देखने में। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आपको फीचर क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप जैसे ही नीचे की साइड में जाओगे ना तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप क्लीनर का एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गाइस, यहाँ से आप जो व्हाट्सएप की जो जंक फाइल्स हैं या फिर कोई वायरस वगैरह है, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको स्कैन कर सकते हो। तो ये फीचर काफ़ी कमाल का है और अच्छी बात है कि Xiaomi वालों ने इस फीचर को आपको दे दिया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो नेक्स्ट फीचर है गाइस गेम स्पीड बूस्टर में। तो गेम स्पीड बूस्टर में क्या फीचर दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर अगर आपके में कोई भी गेम सेट नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐड गेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको गेम को ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद गाइस आपको गेम को प्ले करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। ठीक है, तो मैंने ये जो कैंडी क्रश का गेम है इसको प्ले किया। एंड गाइस, आप यहाँ पर आप ऊपर की साइड में देख सकते हो कि एक यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस जैसे ही आप मान लीजिए कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वीडियो रिकॉर्ड होने लगेगी। ठीक है, या फिर गाइस आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो काफ़ी यार अच्छा फीचर है ये, क्विक ऑप्शन समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये फीचर आपको दे दिया गया है, अब पहले नहीं था बट अब यहाँ पर आपको फीचर दे दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी कमाल का फीचर है ये भी।
मुझे काफ़ी कमाल का लगा गाइज। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो नेक्स्ट फीचर है गाइज आपकी सेटिंग्स पे, तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऑप्शन में। एंड गाइज आप यहां पर देख सकते हो नीचे की साइड में आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन सेट शॉर्टकट का, ठीक है। तो ये सेटिंग पे सेट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर की साइड में नोटिफिकेशन बारे में। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है, सेटिंग का आइकन शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सर्च के आइकन से चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब सर्च का आइकन शो हो रहा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर लगा मुझे, बहुत ही कमाल का फीचर है ये। अब गाइस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो गाइस आप सभी बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे कि भाई हमें पोर्ट्रेट मोड का फीचर कब मिलेगा। तो गाइस Xiaomi वालों ने आपकी बात सुन ली है एंड आपको पोर्ट्रेट मोड का फीचर दे दिया गया है। बट गाइस जो पोर्ट्रेट मोड है ना वो आपको ओनली रियर में देखने को नहीं मिलेगा, ओनली फ्रंट में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, जैसे ही आप यहाँ पर ऑन करोगे अपना फ्रंट कैमरा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोर्ट्रेट मोड आ चुका है, आप ऊपर की साइड में देख सकते हो, ठीक है। तो पोर्ट्रेट मोड का गाइस फीचर दे दिया गया है, बट पोर्ट्रेट मोड फ्रंट में दिया गया है। रियर में गाइस आने वाले एक या दो अपडेट में आपको पोर्ट्रेट मोड का फीचर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा गाइस। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि भाई पोर्ट्रेट मोड मिल गया तो शायद फेस अनलॉक भी मिल गया होगा, बट गाइस ऐसा नहीं है, फेस अनलॉक आपको नहीं दिया गया है। फेस अनलॉक भी आने वाले एक या दो अपडेट में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि नोगट पर ही बेस अपडेट है ये, और आपको ओरियो नहीं मिलेगा Redmi Note 4 में, क्योंकि गाइस Xiaomi वाले जो है ना वो अपने Redmi सीरीज के डिवाइसेस को एक ही Android अपडेट देते हैं, जो कि Redmi Note 4 को एक Android अपडेट मिल चुका है। गाइस Redmi Note 4 मार्च में पर आया था एंड नोगट उसे मिल चुका है, तो उसको ओरियो कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस ये कुछ फीचर्स थे जो कि आपको मिले थे, जो कि मैंने आपको बता दिए। तो गाइस इस वीडियो पर टारगेट है 300 लाइक्स का, तो आप 300 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा जल्दी से। मुझे उम्मीद है आप सभी पर कि आप 300 लाइक्स कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट तो है नहीं, तो आप बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दोगे। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।